नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान बात करेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर गांव में आज वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट विमान क्रैश हो गया। फाइटर जेट गांव के अंतिम छोर पर एक मकान पर गिरा, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं झुलस गई। दुर्घटना में जेट का पायलट सुरक्षित रूप से जेट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची SDM हनुमानगढ़ अवि गर्ग ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 महिलाओं की इस दौरान मौत की खबर सामने आ रही है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर गांव में आज वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट विमान क्रैश हो गया। फाइटर जेट गांव के अंतिम छोर पर एक मकान पर गिरा, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं झुलस गई। दुर्घटना में जेट का पायलट सुरक्षित रूप से जेट से बाहर निकलने में कामयाब रहा। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे SDM हनुमानगढ़ अवि गर्ग ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। हनुमानगढ़ के उपखंड हनुमानगढ़ में गाँव में बहलोल नगर, वहाँ विमान क्रैश हुआ। पायलट था, उसकी बचत हो गई है। पायलट ने पूरी कोशिश की कि भाई विमान आबादी में नहीं गिरे, लेकिन फिर भी थोड़ा नजदीक गिरा तो थोड़ा एक दो परिवारों को, घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 महिलाओं की मृत्यु की सूचना है और साथ ही साथ 3 घायल भी। इन्होंने मांग रखी थी कि गरीब परिवार है तो एक सरकारी नौकरी दी जाए, तो इनकी जो इनकी मांग है वो राज्य सरकार के पास भिजवा देंगे। अंतिम निर्णय उस संबंध में राज्य सरकार ने लेना। तो ये हनुमानगढ़ में MiG-21 विमान हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा है कि सूरतगढ़ में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु होने दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत जनों की आत्मा की शांति एवं परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की कामना करता हूँ। मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी बीमा से नियम अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। मैं MiG-21 के पायलट एवं अन्य घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री का एक ट्वीट सामने आया और मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को कहा गया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मौके से हमारे संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया, देखिए। स्पाइनल बोर्ड के लिए फ्लैट थोड़ा सा रिलेटिवली आज सुबह जिले के पीलीबंगा क्षेत्र के बहलोल नगर गांव के अंदर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां एक मकान की छत के ऊपर MiG-21 गिरने से 3 महिलाओं की जलने से मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे के अंदर 3 लोग, महिलाएं और कुछ पुरुष घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की मदद से अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज हो रहा है। वहीं मौके के जैसे ही घटना की सूचना मिली, एयरफोर्स और जो आर्मी पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। सर, इसमें अभी क्या कुछ रेस्क्यू चल रहा है और क्या मामला है? जो बॉडी है वो PM के लिए भिजवा दी और जो घायल थे वो उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अभी एयरफोर्स की टीम आई है जो वो अपनी जांच कर रही है और प्रशासन की तरफ से जो भी ऐसे आपदा में व्यवस्था होती है उनके अंदर उनको सहायता राशि एवं जो भी सरकार की तरफ से सुविधा है वो उनको SDM साहब ने बताया है। तो क्या आपको मौका मिला देखने के बाद कुछ ऐसा आपको महसूस किया? अभी हमने जब मुआयना किया तो हमें ये लगा कि पायलट ने पूरी कोशिश की कि जो विमान है वो आबादी में नहीं गिरे, लेकिन फिर भी अंतिम मौके पर कह रहे हैं कि विमान अपने आप घुमाए और वो गिरा। निश्चित तौर पर दर्दनाक हादसा जिसकी भरपाई बेहद मुश्किल है, ऐसे में सरकार को भी नए सिरे से सोचना होगा कि कब तक इस MiG-21 जो विमान है इसको अपने बेड़े से हटाकर आगे किस तरह की दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। कैमरामैन लाल बहादुर के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया, हनुमानगढ़। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश होकर रिहायशी इलाके में जा गिरा। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे को लेकर प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं वायुसेना ने भी हादसे को लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश।
आसमान से गिरी आफत, 3 की मौत। मलबे में दबा घर, मची चीख पुकार। हादसे में बाल बाल बचे पायलट। मिग हादसे की जांच के आदेश। जगह हनुमानगढ़, राजस्थान। अचानक एक धमाके की आवाज, चारों तरफ मलबा ही मलबा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वहां घरों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग सहम गए। जिसमें हिम्मत बची थी वो भागता हुआ हादसे वाली जगह पहुंचा और घायलों की जान बचाने में जुट गया। आसमान से गिरी आफत ये मिग 21 के क्रैश होने से मची थी, जो रिहायशी इलाके में गिरा था। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू हो गया, लेकिन तब तक 3 महिलाएं दम तोड़ चुकी थी। हालांकि पायलट खुद को इजेक्ट कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वायुसेना के इस मिग 21 ने सुबह सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी, जो हनुमानगढ़ के बहलोल नगर इलाके में क्रैश हो गया। हादसे के फौरन बाद हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने वायुसेना के अधिकारियों और गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वायुसेना की तरफ से बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया, वायुसेना के मिग 21 ने आज सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी, तभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए, हालांकि उसे मामूली चोट आई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच टीम गठित कर दी गई है। उधर प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिवारों को प्रशासन की तरफ से 5-5 लाख देने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। मुझे दुख है कि इस हादसे में जो अभी मैंने सुना है, कुछ लोगों की हताहत हुए हैं, कुछ जान गई है, घर नष्ट हुए हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो पायलट थे वो अभी तक सुरक्षित हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें और ऐसे हादसे आगे ना हो। ये पहली बार नहीं है जब मिग 21 हादसे का शिकार हुआ है। सेना के इस पुराने एयरक्राफ्ट को तो उड़ता ताबूत तक कहा जाता है। बावजूद इसके मिग 21 को भारतीय सेना के बेड़े से पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है। पिछले 2 साल में वायुसेना के मिग 21 विमान गिरने की यह 7वीं घटना है। 28 जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर में पिछला हादसा हुआ था, उसमें वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए थे। 2021 में 5 मिग 21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें 3 पायलट शहीद हो गए थे। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 दशकों में मिग 21 से जुड़ी हुई 400 से ज्यादा हादसे हुए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा पायलटों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उस इलाके में, मैं खुद पायलट हूँ, उस इलाके में 4 साल ऑपरेट किया है। आम तौर पे मौसम अच्छा होता है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार में इस पर पायलट रह रहे। पायलट जिंदा है, भगवान की कृपा रही है, लेकिन 2 सिविलियन मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। 99.99% रिकरिंग इसमें टेक्निकल फेलियर है, दैट्स मटेरियल फेलियर। साल 1964 में मिग 12 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तब से भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए इसे फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया है। बावजूद इसके अभी तक ये सेना से रिटायर नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।